और बताओ कैसे आना हुआ? आप पूछ रही हैं तंज कर रहे हैं? ओहो तंज, मैं तो बस ये पूछना चाह रही हूँ ये चोट कैसे लगा? ओह कैसे लगी है मैडम? हाँ पतंग ही तुम बताओ तो सही कि चोट कैसे लगी? मैंने मुझ पे पागलाना हमला किया। क्या? फायर मारा है। किसने? किसने अगर मुझे मालूम होता किसने तो आज तो जेल के पीछे होता, लेकिन मुझे पता है इसके पीछे किसका हाथ है। किसका हाथ है तुम उसे जानते हो? अच्छी तरह जल्द बेनकाब कर दूंगा। अच्छा एविडेंस के साथ प्रूफ के साथ। चलो बहरहाल इन बातों को छोड़ो, यहाँ करने क्या है? मैं इस आदमी की खैर मत कर गया, इसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, ज्यादती हो रही है, इस हाथ पे किसने पहुँचाया तय तक मैं पहुँच गया। तुम सच कह रहे हो? तुम साथ दोगे? मैं इसकी नहीं थी जब मेरा नाम अपनी जान पे खेल के मेरे बच्चे को भी हमला, लेकिन मैं सच्चाई से नीचे नहीं हटा और ना हटूंगा, मैं इसको इंसाफ दिला के। तुम्हारी बातों से मुझे बहुत हौसला मिला है कि तुम इसे इंसाफ दिलवाओगे। मुझे इस हालत में इसे देखा नहीं जाता कि ये इस हालत में पड़े रहे, मुझे देखा नहीं जाता इस हालत में इसे हर वक्त नशे करके पड़े रहते। मैडम मुझे भी आपका समझ नहीं आ रहा, तस्वीर का मुझे दो रूप नजर आ रहे हैं। क्या? ये अब सोच के बताऊंगा। क्या बाद में बताऊंगा? कहीं से शक तो नहीं हो गया कि मैंने इसके ऊपर फाइलिंग करवाई थी? क्या होगा पता नहीं, अल्लाह मालिक है। वैसे अब मैं उसे और धोखा नहीं देना चाहती, उसकी जायदाद उसकी प्रॉपर्टी बहुत लॉस में जा रही है, अब वो मेरा प्यार है, मैं उसको धोखा नहीं देना चाहती। छोड़ो उसका पीछा, ठीक है इस चैप्टर को तुम यहीं पे क्लोज करो। पीछा छोड़ो, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। आधे दलदल में फंसा कर और अब तुम खुद बैक हो रही हो और हमें कह रही हो पीछे छोड़ो। मैं नहीं देख सकती हूँ उसे इस हालत में, इसलिए कह रही हूँ। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है समझे, आपकी वजह से मेरा पूरा बैंक में नाम खराब हो गया, जलील होकर रह गया मैं, मेरी नौकरी खतरे में। क्या हो जाओ मेरे बिल्ले मुझे माफ करने लगे हो? हाँ तो अब पीछे हटने की क्या बात कर रहे हो? तो वो मेरी मोहब्बत है, ठीक है मैं उसे अब इस हालत में नहीं देख सकती, वो नशे की हालत में उसकी हालत ऐसी हो गई मौत के मुंह तक पहुँच गया हो। तो तुम्हारी मोहब्बत के चक्कर में हम लोग मारे गए हैं? ऐसा नहीं होगा, हम मरेंगे तो तुम्हें लेके मरेंगे, ये बात जहन में रखना। किसने कहा तुम लोग मारे जाओगे? ये मरने वाली बात नहीं तो क्या है? तो मैं हूँ ना तुम लोग के बैग पे सपोर्ट के लिए, सिर्फ उसकी जान छोड़ने को बोला है। ठीक है हम जान छोड़ देंगे, लेकिन हमारा जो तय हुआ था वो तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ मिल जाएगा, तुम्हारे क्या तय हुई थी? मिल जाएगा नहीं मैं दो। हाँ हाँ दे दूंगी मुझे टाइम तो एक दिन का, मैं तुम्हें दे दूंगी दोनों को और उसका पीछा छोड़ो और उसके पीछे कोई भी नहीं आना। ठीक है अगर कल तक आपने हमारा हिस्सा नहीं दिया तो बच्चों की आप ये जहन में रखना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम मुझे ही धमकी दे रहे हो, तुम हो क्या? मेरी वजह से तुम लोगों की पहचान है, ठीक है? ये भूल है तुम्हारी, मैं पुलिस पुलिस अफसर हूँ मैं। तो मैं तुम्हें भत्ता देती हूँ। भत्ता देती हूँ? हाँ तो अपने हाथ में रहो। चले बारह जो हमारी बात हुई थी वो आप हमें हमारे तक पहुंचा दें, हम बैक हो जाएंगे, हम वहीं फाइल क्लोज करेंगे। ठीक है तुम लोग फाइल क्लोज करो, तुम्हारी चीजें मिल जाएगी तुम्हें दो दिन में। इससे पहले कि ये दोनों कोई कदम उठाए मुझे इनका इंतजाम करना पड़ेगा।
उखड़ेगा और उसका बदन फूलों का चमन और उसकी आंखें सोने के बटन देखा क्या गालियां पड़ रही हैं थोड़ी देर बाद गालियां भी पड़ेंगी अरे शाने आज मुझे कोई नहीं रोक सकता आज मेरे अंदर की कला जग चुकी है और तेरी हीरोइनी भाग चुकी है क्या क्या बकवास कर रहा तू क्या बकवास कर रहा तू ठीक से देख बाथरूम में लगी सारा फिटर चार मारा सटक गए वो आठ लगी है ये बहुत हलकट पब्लिक है मेरी तो कुछ बना देगी और रो देना कीमा तो देख अगर आज मेरा दीवाना निकला तो तू कभी दीवाना नहीं देखेगा क्या करूं मर गया यार माई बाप शो शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इंसान को कभी अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए इंसान को हैवान नहीं बनना चाहिए अपना भाषण मत कर और सोचा कर सो दोस्तों आपका ये प्यार देखकर मेरी आंखें भर आई हैं आप जैसी अच्छी प्यारी दयालु मायालु ऑडियंस एक कलाकार को अगर मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए को लड़की चाहिए लड़की लड़की अब मैं लड़की कहाँ से लाऊं अभी शानी अभी शांति दिखा कुछ कर शांति तो बोल रहा लड़की से मतलब भाग ले बकरी इतना मेहनत क्या करती है चल आज मुझे नाश्ता वास्ता नहीं आता ये तूने तो बोला था तेरे सब कुछ आता है अभी क्या होगा अरे झूठ क्या होता है झूठ तुझे जाने तू कहीं भाग रही है तीसरी बारी बात बात पर झूठ बोलती है किशन कुछ कुछ चालू कर हे दोस्तों देखता हूँ ये कैसे नहीं नाचती